देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेस 5 मशीन फॉर 60,000 ईच। 5 मशीन खरीदिए 60,000 रुपए की एक मशीन है। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। हमने एक मशीन 8,000 के लॉस पे बेच दिया। समझना, 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होता है ईयर, 31 मार्च 2016 तक चलता है। अब इसमें आपने इसी दिन मतलब 1 अप्रैल 2015 को ही आपने M1 से M5 यानी 5 मशीन खरीदी 60,000 ईच। मतलब टोटल कितनी मशीन हो गई? 5, 60,000 × 5, 3 लाख रुपीज की मशीन हो गई। तो बेटा आपने अप्रैल 17 में बेची, तो पहले अप्रैल 17 तक आए तो सर हम लोग सेकंड ईयर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, और थर्ड ईयर 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। इस वाले ईयर में अप्रैल 17 को हमने M1 बेच दी। मान लीजिए हमने 5 मशीन्स ली ना, तो M1 से M5 5 मशीन्स मानी उसको। M1 हमने बेच दी, क्या रेट में बेची? 8,000 के लॉस पे। सेलिंग प्राइस वी डोंट नो, सेलिंग प्राइस बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बट लॉस हुआ है 8,000 का, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹12,500। जुलाई 2018 बेटा इसमें तो आएगा नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक चलेगा, इसमें आएगा 1 जुलाई 18। M2 भी बेच दिया हमने, क्या रेट में बेची? 12,500 के लॉस पे। सेम वहां पे भी सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, बट लॉस दिया हुआ है 12,500 रुपए का। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यू मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को आपने M6 खरीद ली, बाय लिखते हैं हम लोग क्योंकि 5 ऑलरेडी खरीद चुके हैं 1 लाख रुपए में। डेप्रिसिएशन 4 साल का बनाना है, 31 मार्च को हर साल हमारा अकाउंट क्लोज होता है। मेथड SLM है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है आपका क्वेश्चन का पूरा आउटलाइन। अब एक चीज को बहुत अच्छे से समझना बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने जो टुकड़े किए हैं ना मशीन के, वो इस तरीके से किए हैं M1 से M5। अब हमने ये वहां ऊपर इसलिए लिखा ताकि हम लोगों को पता चले, एक M1 हम यहाँ बेच रहे हैं, एक M2 यहाँ बेच रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 3 मशीन लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग से, M1, M2 और M3 से M5 एक साथ। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा मेरा स्पेस कम पड़ेगा बिकॉज मुझे 2 बार इसको बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, यहां पर जब हम असेट खरीदने चलते हैं तो हम इसको M1 से M5 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे M1 अलग M2 अलग और फिर हम लोग लिखेंगे ऊपर। मशीनरी शायद नहीं दिखेगा आपको बच्चा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 में यहाँ पे मेंशन करूंगा टू बैंक, देखना कैसे लिखूंगा, M1 60, M2 भी 60। क्यों इन दो का अलग अलग हिसाब? क्योंकि इन दो को आगे जाकर के बेचा है। M3 से M5 3 मशीन्स 60 की एक, तो 1,80,000 हो गया और टोटल हो गया 3 लाख की मशीन्स। समझ आया क्या? मैंने फर्स्ट वाले ईयर में क्या किया, 2 मशीन को अलग लिखा और M3 to M5 3 मशीन्स को एक साथ रखा क्योंकि इन मशीन्स का कुछ नहीं करना है। 31 मार्च 2016 को पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन भी देखना, M1 का अलग, M2 का अलग, M3 to M5 इन 3 मशीन्स का अलग। डेप्रिसिएशन आसान भाषा में पूरे साल यूज हुई, 60,000 का 10% 6,000 लगे, 6 6, और इधर 3 मशीन का 18, टोटल 30,000। इसी दिन बाय बैलेंस सीडी,
बैलेंस सीडी में भी M1 का अलग, M2 का अलग, M3 टे M5 का। 60,000 में से 6 कहे तो 54,000, इधर भी 54। अब इधर 54, 180 में से 18 गया तो 162, ठीक है। तो ये बचेगा बेटा आपके पास 2,70,000 रुपीज का बैलेंस। टोटल मार लेना आप भले, ये टोटल हो गया, ये 3 लाख, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, समझ आता है। नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी सेम, वापस लिख देते हैं M1 54, M2 भी 54, M3 to M5 1,62,000 और टोटल 2,70,000। अब इसके बाद इस नेक्स्ट ईयर में कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ सर, सिंपल सा डेप्रिसिएशन लगाओ और कुछ नहीं करना। मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन, सेम वही डेप्रिसिएशन, M1 का 6,000, M2 का भी 6,000 और M3 to M5 का 18,000। SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000, सेम डेट पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखो मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि याद रहे कि बैलेंस शीट ही है। अब बैलेंस कैसे निकलेगा? 54 M1 का बैलेंस है, उसमें से 6,000 की अब और यूज हो गई तो 48,000 रुपीज का M1 बचा, सेम 42, 48 का M2 बचा। M3 to M5 162 में से 18 गया, यानी 20 से लगे 144 का बचा। और टोटल मार लीजिए आप इसका 2,70,000, 270 में से 30 गया तो 2,40,000। अब टोटल मार लीजिएगा 240 आएगा। अच्छा एक बार इतना इतना आप एसएस ले ले, आराम से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा एरिया, किसी बच्चे को यहां तक डाउट आया है क्या बच्चा? चलिए ले लिया होगा बच्चा अभी तक आपने। अब हम लोग ले रहे हैं आगे इससे। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ईयर में अप्रैल 17 को M1 को बेचने वाले हैं। तो जब M1 को बेचेंगे तो M1 का हिसाब अलग चलेगा। मैं एक बार बैलेंस बना रहा हूँ सेम, तो इसीलिए मैं यहाँ से M1 M2 M3 को रफ नहीं कर रहा, बस ईयर जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर पे आ रहा हूँ थर्ड वाले ईयर पे, जरा आप देखिएगा, ठीक है। अप्रैल 17, तो अप्रैल 17 पे आ गया और ये अप्रैल 17 में ही बेच दिया। तो 1 अप्रैल 2017 को पहले ये वाला बैलेंस बना ले, 48 की M1 है, 48 की M2 है और 1,44,000 के तीन बाकी की मशीन है। टोटल आ गया 2,40,000, क्लियर। अब इसमें से M1 आपने बेची है 8,000 के लॉस पे, तो पहले 1 अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा? कुछ भी नहीं, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, बाय डेप्रिसिएशन लिखने की नीड नहीं। बाय बैंक पता नहीं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पेंडल हमें लॉस का पता है, लॉस कितना हुआ 8,000। तो बेटा ये जो 8,000 का लॉस है इसे 48 से कंपेयर करो, 48,000 की चीज हमारे पास है हमारी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, इसमें से 8,000 का हमें लॉस लगा तो हमने बेची कितने में? 40,000 में। दोनों का डिफरेंस, 48 की चीज 8 के लॉस पे गई मतलब 40,000 में बिकी, तो ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट आया। आप चाहो तो मैं अलग से नीचे कैलकुलेशन दिखाऊं, बाकी मुझे जरूरत लग नहीं रही, ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो। M1 बिक गया। अब आपके पास अगेन 31 मार्च 17 का डेप्रिसिएशन लगाना है M2 और M3 से M5 पर,
M3 से M5 पे, M2 पे 6000, इस पे 18000, सेम 24000। ठीक है, अब मुझे और थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बच्चा, ये वाला भी एरिया रफ करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट एक और साल है ना हमारे पास। देखिएगा बच्चा, अब हम लोग इसी पे बैलेंस शीट निकालेंगे। पहले बैलेंस शीट निकाल करके M2 और M3 से M5, क्योंकि इस साल में और कोई खरीदी तो है नहीं थर्ड ईयर में। तो बेटा M2 का बैलेंस 48000 में से 6000 की यूज हो गई, 42000, 144 में से 18 की यूज हो गई, 126 और 42, अभी कैलकुलेट करते हैं। इधर का 240 टोटल, 240 में से 24 और 48 अट गया, ठीक है, 126 और 128, 168, आप टोटल मारेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला ईयर कंप्लीट होता है। अब फोर्थ वाले ईयर में क्या चीज है देखिएगा, वापस बैलेंस बनाते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M2 42000 का, M3 टू M5 126000 का, टोटल आ गया 168000। ठीक है, अब यहां पे आपने जुलाई 18 में M2 बेची, जुलाई तक का आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जुलाई 18 पहले बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ का, M1 पे लगना है अप्रैल में जून, 3 मंथ का, 3 मंथ लिख रहा हूँ, 3 M लिख रहा हूँ सर। M1 तो सोल्ड कर दी, तो अब तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। M2 बेचा ना, M2 है तो सेम अमाउंट, तो 60000 का 10%, 6000 3 मंथ का 1500, ये लगाना है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्वेश्चन में ये भी लॉस दिया हुआ है कि कितने के लॉस हुए, 12500। ठीक है, अब समझना, 42000 की चीज M2 पे, मैं यहाँ पे नीचे सबसे नीचे अभी यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हम लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ M2 कैसे निकलेगा, 42000 का रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कब का, एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 42, इसमें से लेस करेंगे इसका डेप्रिसिएशन और इसका लॉस, तो डेप्रिसिएशन 1500, लॉस कितने का 12500, 14000 अगर इसमें से हम लोग कम कर दें 42000 में से, तो कितना बचता है 28000। बेटा 28 वर्सेस 28000 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधा, ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया हमने, 28000 रुपए में हमने बेची है। आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो 42000 में से 1500 और 12500 लेस कर दो, वही मैंने नीचे किया 28000। M2 भी बिक गए, बचा क्या M3 से M5, एक और खरीदी अक्टूबर 18 में M6, बेटा अक्टूबर 18 यही ईयर कहलाएगा, अक्टूबर 18 टू बैंक ब्रैकेट में M6, अमाउंट कितना है 1 लाख का। अब जब हम 31 मार्च, ये तो सेम 1 जुलाई की एंट्री है, 31 मार्च 19 का एंट्री पास करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, इस पे हम लोग M3 से M5 जिस पे जैसे 18000 लग रहा था तो वही लगेगा, एक M6 6 मंथ का, क्यों 6 मंथ का बच्चा, क्योंकि हमने इसे अक्टूबर में खरीदा, तो 1 लाख का 10% 10000 और 6 मंथ का 5000 6800। अब सिर्फ बैलेंस में जो आएंगे सेम डेट पे बाय बैलेंस सीडी M3 से M सर 23000 होगा ना, कितना होगा 6000, वो 23000 होगा, वो 18000 है, 80000 की मशीन,
18,000 है ना M3 से M5 की वो डेप्रिसिएशन, हाँ अच्छा 18 और 5 होते, सॉरी 1,800 मैम थोड़ी है। तो आपने 23। हाँ ठीक है, मेरा मिस्टेक, माय मिस्टेक। अच्छा M3 से M5 1,26,000 में से 18 लेस कर दो आप, ठीक है 1,08,000, और 1 लाख में से 5,000 लेस कर दो, 95,000 M6 का वैल्यू, तो 95,000 और 1,08,000, 2,03,000 बैलेंस, टोटल मार लेना मैच हो जाएगा। ये मेरा बेटा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अच्छे से एसएस ले लो एक बार। देखा बच्चों कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स किए, आउटलाइन अगर बना रहे तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंफर्टेबल हैं सब बच्चे यहाँ तक? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो बच्चा पहले। चलिए कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें भी कुछ सर नई एक चीजें हैं सेकंड, सर देखने एक को। सेकंड, सर एस लेने दो एक सेकंड। नो नो नो, ले लिया रफ होगा कर दो बच्चा। आप। यस सर। देखिएगा अब जो क्वेश्चन 9 है उसकी जो आउटलाइन है उसमें थोड़ा मजेदार चीज, वही मैं अब आपको करवा रहा हूं। और क्वेश्चन जो 9 है इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक तो खत्म होगा, टॉपिक इन द सेंस स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री करवानी, मुझे याद है बच्चा पूरा पूरा, मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा। 9th नंबर का क्वेश्चन बच्चे देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 9 सेज अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, एक कंपनी जिसका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 मशीन कॉस्टिंग 30,000, 1 जुलाई 2015 को खरीदी मशीन। बेटा चाहे आप जुलाई में खरीदो चाहे और किसी भी दिन में खरीदो, हमारा ईयर तो अप्रैल 15 से मार्च 16 चलेगा ना इस ईयर के अकॉर्डिंग, तो हमने फर्स्ट जुलाई 15 को M1 बाय किया है, उसका रेट है 30,000। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा है इट परचेस फर्दर मशीन ऑन 1 जन 2016, 1 जन 2016 इसी ईयर में आएगा, M2 हमने बाय किया 20,000 का। फिर आगे लिखा है एंड 1 अक्टूबर 2016 10,000, अक्टूबर 16 इसमें नहीं आता, अक्टूबर 16 के लिए अप्रैल 16 टू मार्च 17 चलना पड़ेगा, इसमें आता है 1 अक्टूबर 16 और यहाँ लिखेंगे M3 10,000 का। अब आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3, 2017 भी यहाँ नहीं आएगा, 1 अप्रैल 2017 नेक्स्ट ईयर में आएगा, मतलब इस साल 1 अप्रैल 2017 को M1 यानी 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को जो मशीन इंस्टॉल की थी, मतलब ये M1, इसका 1/3 पार्ट। बेटा 1/3 पार्ट बोले तो इसको मैं P1 इसको P2 बोलूंगा, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 होगा 1/3 हिस्सा, तो बचा हुआ हिस्सा 2/3 कौन कितना किसको होगा, पार्ट 2, तो 30,000 का 1 × 3 करोगे तो आप 10,000, बाकी जो बचा वो पार्ट 2 यानी 2/3 बचेगा तो 20,000। मैंने स्टार्टिंग से टुकड़े कर दिए इसके, क्यों टुकड़े किए, अगर मैं ये आउटलाइन नहीं बनाता तो बेटा इस क्वेश्चन के मैं इस मशीन के ऐसे दो पार्ट्स नहीं बना पाता, क्योंकि पार्ट्स नहीं बना पाता तो होता क्या, ये पार्ट्स नहीं बनने से पंगा ये होता कि आगे जाकर के जब हम बेचते मशीन तो हमें वहां जाकर के फिर से रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता, वो सारा टाइम बच गया हमारा। अब मैं लिख रहा हूँ M1 का P1 हमने बेचा क्या रेट में बेचा, 3,000 बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000, यानी पुराना हो गया और उसे हमने बेच दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के आगे लिखा है आपको मशीन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और आपको ये मानना है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपको यूज करना है जिसे SLM ही कहते हैं, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। क्लियर? अब बच्चा हम लोग इस क्वेश्चन को अब अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 1/3 वाले पार्ट को ऊपर तोड़ करके लिखा। अब आप देखिएगा पूरा क्वेश्चन आपके सामने, डेट पर्टिकुलर
अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको बहुत लाइट लाइट शो रहा होगा बच्चा, इंक प्रॉब्लम होता है ना, वेट कीजिए इंक फिल कर लेते हैं एक बार। एक बार फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं, अच्छे से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई 15 में हमने खरीदी, जुलाई 15 टू बैंक, हमने स्टार्टिंग से दो हिस्से कर दिए, M1 का P1, M1 का P2, इसे 10,000 रखा, इसे 20,000 रखा, टोटल 30,000 इस साल में। एक तो ये मशीन आई और एक जनवरी में भी हमने M2 खरीदी, 1 जन 2016, टू बैंक ब्रैकेट में M2 20,000 का, ठीक है। अब आपने इस ईयर में और कुछ नहीं किया तो 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग लगाएंगे। M1 का P1 कितने मंथ का लगेगा, जुलाई में खरीदी 9 मंथ का लगेगा बेटा, जुलाई से लेकर के मार्च तक यूज किया, तो आपको याद रखना है 9 मंथ 9 मंथ। और ये जैन में खरीदी M2, तो इस पे 3 मंथ का लगेगा, जैन से लेके मार्च तक यूज हुई सिर्फ। तो 10,000 का 10% 1,000, 9 मंथ का 750, आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, 20,000 का 1,500 आ जाएगा 9 मंथ का, और 20,000 का 10% 3 मंथ का 500, 2750 रुपीस का डेप्रिसिएशन होता है। कैलकुलेशन कर सकते हैं ना बच्चा, मल्टीप्लाई किया 10,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 9 बाय 12, 20,000 into 10 by 100 into 9 by 12, 20,000 into 10% into 3 by 12, समझ गए? सिर्फ calculations किए और कुछ नहीं किया। Year complete, buy balance CD, balance CD में same M1 का P1, 10,000 में से 750 गया 9,250, इस 10,000 में से ये depreciation less किया, ऐसे ही M1 का P2 20,000 का है, इसमें से 1,500 less कर दिया 18,500, M2 20,000 का है, 20,000 में से 500 गया 19,500, 19, 18, 37, 38, 38 और 9, 47,250 टोटल मार लीजिए, 50K फर्स्ट वाला ईयर कंप्लीट। सेकंड वाले ईयर में अक्टूबर में एक और खरीदी, याद रखना, पहले बैलेंस शीट बना देते हैं, 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस BD सेम M1 का P1 9,250। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये ओपनिंग बैलेंस बनाते टाइम आप क्यों ये बार बार वापस से लिखते हैं वैल्यूज, बेटा इसका भी एक बेनिफिट है, आपको वापस पीछे नहीं देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, जब बेचते हैं ना तब बड़ी पंगा आता है, तब बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए 47,250। अब ने अक्टूबर 16 में M3 खरीदा, 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक ब्रैकेट में M3 अमाउंट इज 10,000, ठीक है। अब इतना करने के बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे M1 का P1। अब इस 9,250 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 10,000 की कॉस्ट पे, 10,000 का 10% पूरे साल का, अब 1,000 M1 का P2, क्योंकि इस साल तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा यूज हो रहा है ना, ये जो नेक्स्ट 20,000 है उस पे 2,000 और M2 पे भी 2,000, क्योंकि ये भी अब पूरे साल यूज है। M3 अभी अक्टूबर में खरीदी आपने, तो यहाँ 6 मंथ का लगेगा, 10,000 का 10% इंटू 6/12, तो 5,500 का डेप्रिसिएशन हो गया। सेम इसी डेट पे बैलेंस निकाल दिया, M1 का P1 का बैलेंस 9,250 में से 1,000 गया, 8,250
एम वन का पी टू 18,500 में से 2,000 गया, 16,500। एम टू 19,500 में से 2,000 गया, 17,500। और एम थ्री 10,000 में से 500 गया, 9,500। टोटल मार लीजिए आप यहाँ पे 47250 और 57250, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ का टोटल आप लगा देंगे 57 में से 5 के 52, 52,250, 51750, ठीक है। एक बार फटाफट से एसएस ले लीजिए बच्चे, लास्ट ईयर मुझे रफ करके ऊपर करवाना पड़ेगा। ले लिया होगा बच्चा एसएस, मुझे ऊपर वाला ईयर क्लियर करना पड़ेगा। हटा रहा हूँ बच्चा मैं ना, एसएस लिखते टाइम मैंने थोड़ा सा फुर्ती रखा करो, अगर मैं बोल दूँ ना तो फटाफट क्लिक कर लिया करो। अब देखिएगा थर्ड वाला ईयर अप्रैल 17 टू बैलेंस बीडी, बट अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट हो जाना फटाफट से। एम वन का पी वन 8,250, एम वन का पी टू 16,500, एम टू 17,500 और एम थ्री 9,500, 51750। अब आपने अप्रैल 17 को M1 का P1 3,000 में बेच दिया, तो 1 अप्रैल 17 को ही बाय बैंक M1 का P1, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, सीधा 3,000 में बेच दिया। तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लॉस कितना हो गया, 8,250 की चीज 3,000 में बेची, 5,250 का लॉस, ये बिग बिल। अब बची तीन मशीन्स, डेप्रिसिएशन लगा दो 31 मार्च 18 by depreciation, M1 का P2 पूरे साल का लगेगा 2,000, M2 पूरे साल का 2,000, M3 पूरे साल का लगेगा 1,000, 5,000। थोड़ा सा नीचे और रफ करना पड़ेगा, बैलेंस की भी आ जाएगा इधर। देखिएगा सेम 31 मार्च बाय बैलेंस CD, यही बटा आंसर है आपका। M1 का P2 बचा 17,500 में से 2,000 गए, 15,500। M2 16,500 में से 2,000 गए, 14,500। 17,500 में से 2,000 गए, 15,500। और M3 बचा 9,500 में से 1,000 गए, 8,500। टोटल मार्कर के बाहर लिख देना, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 14, 15, 29, 30, 38,500 और टोटल मारोगे 51750। बैठा क्या बच्चा दिमाग में क्वेश्चन, कैसे किया हमने 1/3 और 2/3 को? एक बार आंसर हो गया, एसएस ले लो फटाफट। चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं डिस्कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे, ठीक है? दो क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई करना आप लोग। चलिए बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग।